लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जीवन ज्योति हॉस्पिटल प्रयागराज के मालिक एके बंसल की हुई थी हत्या। वर्ष 2017 में की गई थी डॉक्टर बंसल की हत्या। एसटीएफ यूपी ने किया घटना का सफल अनावरण। डॉक्टर बंसल की उनके चैम्बर में हत्या कर सनसनीखेज फैलाने वाले शूटर को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। अमिताभ यश ने कहा, एसटीएफ के नए एसएसपी भी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक सिंह सीओ सिटी एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे, उनकी टीम को सफलता मिली है। डॉक्टर बंसल को न्यूरो सर्जरी के लिए 55 लाख रुपए दिए गए थे। डॉक्टर बंसल ने आलोक के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था। जेल में ही डॉक्टर बंसल की हत्या की साजिश रची गई थी। आज शूटर शोएब की गिरफ्तारी हुई है। घटना के समय शोएब व मकसूद एक बाइक पर गए थे। जब घटना हुई थी उस समय घटना की जानकारी एसटीएफ को पूरी नहीं मिली थी। डॉक्टर बंसल की हत्या किराए के शूटरों से कराई गई थी। हत्या के लिए शूटरों को एडवांस 10 लाख रुपए दिए गए थे। हत्या के लिए कुल 70 लाख रुपए का पेमेंट हुआ था। दिलीप के माध्यम से ही जेल में शूटरों की व्यवस्था कराई थी। शोएब पूर्व से ही 50,000 रुपए का इनामी था। शोएब ने चुनमुन पांडे की बस रुकवाकर हत्या की थी। चुनमुन की हत्या जनपद प्रतापगढ़ में शोएब ने की थी। यासीर की पैसे के बंटवारे में शोएब ने की थी। शोएब कई लोगों से रंगदारी भी लिया करता था। महामाया मार्बल के मालिक राजेश की हत्या हुई थी, उसमें भी शोएब का हाथ था। शोएब फ्रैक्चर गैंग के नाम से प्रतापगढ़ व प्रयागराज में जाना जाता था। पहले से ही दिलीप मिश्रा बंद थे। दिलीप मिश्रा भी प्रयागराज के चर्चित माफिया है। दिलीप मिश्रा का पूर्व से डॉक्टर बंसल से जमीनी विवाद था और यहाँ एक सिनर्जी ऑफ इंटरेस्ट हुआ। दोनों ने मिलकर डॉक्टर बंसल को मारने की साजिश रखी। इसके लिए उसी बैरक में मौजूद अख्तर खटरा का की मदद ली गई, जिसने 3 शूटर्स को अरेंज किया। ये शूटर यासिर, मकसूद और शोएब थे। आज शोएब की गिरफ्तारी हुई है, जिससे सारी जानकारी प्राप्त हुई है। इन तीनों ने डॉक्टर बंसल की हत्या की, जिसमें मकसूद मोटरसाइकिल पर था और 2 अन्य ने जाकर डॉक्टर बंसल को उनके चेम्बर में गोली मारकर उनकी हत्या की थी। इसके बाद जो इन्हें पैसा मिला, उस पैसे के विवाद के कारण मकसूद ने यासिर की हत्या कर दी। उस हत्या का अनावरण भी एसटीएफ ने ही किया था, लेकिन उस समय मकसूद ने शोएब का नाम छिपा लिया था और अधूरी जानकारी ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।